सीवान लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी हिना साहब ने आज शहर के महादेवा सलेमपुर महादेवा मिशन और दलित बस्ती का दौरा किया। आपको बताते चले कि अस्पताल रोड में कई दलित बस्तियां हैं जिसमें हिना साहब अपने समर्थकों के साथ पहुंची और वहां पर लोगों ने जोरदार तरीके से हिना साहब का स्वागत किया। वही आपको बताते चले कि सलेमपुर महादेवा में एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर हिना साहब ने कहा कि ये देश का भविष्य है, लेकिन अभी इस बच्चे को क्या पता कि कौन पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन हिना साहब ने सभी लोगों से यह अपील किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार मुझे और लालटेन छाप पर वोट देकर मुझे संसद भेजने का काम करें ताकि मैं सीवान का चहुमुखी विकास कर सकूं। इस मौके पर तमाम आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। इस पार्टी में किस इसमें है, इसीलिए ये बच्चा को देखिए, उसी तरह से हम सीवान की जनता है और हमें सभी दल से सभी समुदाय से सहयोग चाहिए और सीवान के विकास के लिए। आज काफी लोगों ने स्वागत किया आपका। स्वागत किया जैसी बात है, ये शहर के हमारे सभी हमारे अपने लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और प्रेम भाव से स्वागत करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है और सभी समुदाय से हमें सहयोग मिल रहा है, सहयोग भाव से लोग
आ रहे हैं। आज कहाँ कहाँ दौरा है आपका? अभी तो मेरा 16-17 वार्ड है।